हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं। अपडेट्स बता रहे हैं आपको, अकेले 24 घंटे में 50 से ज्यादा मरीज सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को खत लिखकर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। देश के 76 जिलों को कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते राज्यों के बॉर्डर भी सील किए गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को लॉकडाउन के चलते सील कर दिया गया है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या 433 हो गई है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले 24 घंटे में 50 से ज्यादा नए मरीज आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 31 मार्च तक लॉकडाउन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भी 25 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। तो लॉकडाउन किए गए हैं 7 जिले हरियाणा में और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा होना चिंता का विषय है और इसीलिए ये लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश है लॉकडाउन करके, पंजाब में कर्फ्यू लगा के, जनता कर्फ्यू लगाकर, धारा 144 लगाकर, कोशिश बस यही है कि लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके, समूह में रहने से रोका जा सके। और लगातार अपील के बाद भी, 144 लगाने के बाद, लॉकडाउन करने के बाद भी परिस्थितियां कैसी हैं, गुरुग्राम में क्या हैं हालात, वो आपको दिखा रहे हैं। इस समय मौजूद है गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की द्वारा एक बैरिकेडिंग सुबह 6 बजे से ही करी गई हुई है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कोई भी गाड़ी बिना किसी आइडेंटिटी के प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ये ऑपरेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी को चेक किया जा रहा है और उनकी आईडी देखी जा रही है। जो सरकारी महकमे की बात कर रहे हैं या फिर अधिकारी के तौर पे हम बात करें या फिर डॉक्टर हो, तो उन्हीं की आइडेंटिटी देख के उनको दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। और ऐसे ही दिल्ली पुलिस हरियाणा में प्रवेश दे रही है, और जिसका असर आप देख सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है सुबह? भाई साहब, सुबह से यही है, इनको रोका जा रहा है। अब भी ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कोरोना का बहुत भयंकर रूप धारण करता हो रहा है, तो उसके लिए, रोकथाम के लिए हमारे सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं, अब भाई ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, अपने घर पर रहो, आराम करिए। सर, लोग बहस भी कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए। हाँ, ये बहस तो करते हैं, काफी लोग हैं जो बहस भी करते हैं और मानते भी हैं। जो बुद्धिजीव हैं, जो इस चीज को मानते हैं, मान लेते हैं, लेकिन एक ही बात कहते हैं, इस टाइम सिर्फ एक ही बताओ, अपने घर पर रहे, घर से बाहर ना निकले। किस तरीके की अपील आप जनता से कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्यों ऐसे कोरोना से लड़ने के लिए आपकी भी टिप्स है, क्योंकि अभी आप किसी को टिप्स भी दे रहे थे कि भाई इस तरीके से बचाओ। हाँ, इसको यही है भाई, अपने घर पर रहो, सफाई का उचित ध्यान रखो, ज्यादा बाहर ना निकले, एक दूसरे से संपर्क ना बनाए, घर पर रहे, यही भाई पीसी में बताओ, सफाई पर ध्यान रखो। तो ये थे हरियाणा पुलिस के जवान, जिन्होंने साफ तौर पे एक चीज और कहा है कि ये इस नाके पे खड़े होकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर रहे, इस महामारी से बच सकते हैं, और साथ ही साथ सैनिटाइजर का आप उपयोग करें। गुरुग्राम से कैमरामैन विनय बहुगुणा के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। जनता कर्फ्यू के बाद गुरुग्राम समेत 7 जिलों में हरियाणा प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया, यानी 31 मार्च तक ये लोग अपने घरों में कैद रहेंगे। कुछ स्पेशल जिनको अथॉरिटीज दी गई है, वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, जिसमें जो खाने पीने का सामान होगा या फिर मेडिसिन होंगी, इन लोगों को छूट दी गई है अपनी दुकानें खोलने की। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी दुकानें जो हैं आज भी खुली हुई हैं, प्रशासन के आदेशों की लगातार धज्जियाँ उड़ा रही हैं। आप रोड पर देख सकते हैं लोग किस तरह से घूम रहे हैं, इन्हें कोई भी डर जो है वो नहीं है किसी कोरोना वायरस का।
लोगों सरकार ने जो आदेश जारी किए थे कि 31 मार्च तक खुद को आइसोलेट रखना है, लेकिन बावजूद इसके ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी आ रहे हैं और आदेशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं दुकानों के अलावा हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो कुछ समझदार लोगों ने जरूर अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लोग हैं लगातार इस रोड पे घूम रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जो वो है मुसीबतों का कारण बन सकते हैं। सरकारी बसें बंद हैं, निजी जो सरकारी बस बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, लेकिन बावजूद इसके ऑटो चालक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, लगातार वो घूम रहे हैं। यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं पुलिसकर्मी खड़े हैं जो उनको रोक रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं, लेकिन बार बार वो किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर किसी तरह से बच रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस के अधिकारी जरूर मौके पर पहुंच कर लोगों को समझा कर उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं उनसे भी लगातार सख्ती से निपट रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो गुरुग्राम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती दिख रही है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। ते हुए पूरा देश इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति में है जहां हमको, आपको, हम सबको सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से जो एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है वो उठा रही है, लेकिन इसमें आपका और हमारा सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज, स्वागत है आपका पहले तो। दूसरा ये बताइए कि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, धारा 144 लागू कर दी गई, फिर भी क्या आम आदमी इस बात की गंभीरता को समझ ही नहीं रहा है कि इस स्टेज के बाद अगर कोरोना बढ़ता है तो हमारे लिए हिंदुस्तान जैसे देश में संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था तो जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का लोगों ने हाथों हाथ लिया, जितना शानदार रेस्पॉन्स जनमानस का रहा, लगभग 130 करोड़ भारतीय एकजुट होते हुए दिखाई दिए और ईमानदारी के साथ उन्होंने जनता कर्फ्यू का पालन किया, करके दिखाया कि वो करने में सक्षम है। इसमें बच्चे से लेके बूढ़ा और मतलब हर जात, धर्म, कास्ट, देश, प्रदेश, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, सब चीजें भूलने के बाद सभी लोगों ने एक मत से यह काम किया, क्योंकि वो इस बात को समझ पाए थे कि जनता कर्फ्यू का मतलब क्या है। लेकिन अब जो ये लॉकडाउन किया है तुरंत, उस लॉकडाउन को लोग समझ नहीं कर पा रहे हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। ये जो सील कर दिया, बॉर्डर सील कर रहे हैं या जहां पे करना था उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए उनको समझाने का काम जो है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। ठीक है, हमने कई जगहों पर देखा, सिर्फ हरियाणा की नहीं, अब बात कर रहे हैं तो एक ऐसा वायरस है जहां अगर एक राज्य में दुरुस्त हो जाए, दूसरे राज्य में ना हो, तो खतरा हमेशा बना रहेगा। हम देख रहे हैं कई राज्यों में, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि लोग, भीड़ है लोगों की, चाहे सब्जी लेने के लिए भीड़ दिख रही हो, बस स्टैंड पे भीड़ दिख रही है। क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं हमको इसी से बचना है? मोदी जी ने कहा था 5 मिनट के लिए घर के बालकनी में आके थाली और ताली बजाना है, यहां तो लोगों ने जुलूस निकालना शुरू कर दिया, इसी से तो बचने की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उनका पर्पस, उनका मकसद सिर्फ ये था कि सुबह 14 घंटे का जो है उसमें एक ब्रेक मिले, सभी को एक टाइम निश्चित कर दिया जाए ताकि अफरा तफरी ना बचे, एक टाइम में दिया, और उसका भी पर्पस उन्होंने किया ताकि सब उन लोगों को जो इसमें अपनी जान खतरे में डाल के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनके प्रति हम अपना ग्रेटिट्यूड, अपना सम्मान करके उनको इनकरेज कर सके, ये कारण था। और उसका अवधि सिर्फ उन्होंने 5 मिनट के लिए कहा था, और उस समय भी जो प्रिंसिपल थे सोशल डिस्टेंसिंग के, वो सब किए जाने चाहिए थे, पर कहीं कहीं पे उत्साहित लोगों ने मिलकर जो बाकी किया तो वो उस कोड का वायलेशन था। अब ये जो सरकारों ने जो लॉकडाउन किया है और जहां पे वायरस ऑलरेडी है, ये लॉकडाउन एक्चुअली, ये केवल सरकार ने लॉकडाउन किया है इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को कुछ नहीं करना है। जनता को अपने घर में लॉकडाउन करना है, हर घर में अपने आप को लॉकडाउन करना है। ये जो सरकार ने जो आपको आने जाने के लिए या जो सामान खरीद सकते हैं, एसेंशियल्स
कॉमोडिटीज के लिए उन्होंने प्रोविजन दिया है, बाकी सब चीजें दी हैं, वो इसलिए दी हैं ताकि मजबूरी में आप ये काम कर सके, अपना अपना सामान ला सके, दूध पानी खाना पीना सब ये चीजें अवेलेबल हो सके। लेकिन मोमेंट्स की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब आपको लॉकडाउन करना है, वरना आप देखिएगा आपने क्या किया कि एनसीआर पूरा इस समय लॉकडाउन है, तो आपकी सीमाएं वहां पे रुकी हुई हैं, लेकिन वो जो वायरस है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए आप लॉकडाउन किया गया। अब वो विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर आप फ्री मोमेंट्स लेके कर रहे हैं तो संख्या बढ़ेगी, तो फायदा क्या हुआ इस लॉकडाउन का? लॉकडाउन का मतलब ये कि आपको अपने घर में ही लॉकडाउन होना है, ठीक है। आम आदमी को क्या यही इस वक्त समझने की जरूरत है? मुझे याद है मैं सुबह आज दूध लेने के लिए बाहर गया था और जो एरिया में बाकी लोग थे, मैंने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना, उनमें से आपस में लोग बैठ के बात कर रहे थे, अपने अपने घरों के बाहर लोग बैठ के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अरे मरना होगा तो वहां भी मर जाएंगे, मरना होगा तो यहां भी मर जाएंगे। क्या इस मानसिकता से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या आप समझ नहीं रहे इस बात की गंभीरता को कि आपको घर में ही रहना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, घर से बाहर भी ना निकले? देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मरना तो सबको है, चलो ये बात मान लिया हमने कि सबको मरना है, लेकिन जो वायरस के माध्यम से मरेंगे, बगैर आपका समय आए हुए मरेंगे, जो पीड़ा दर्द कष्ट आपके शरीर को होगा और जो आपके परिवार को होगा, आप उसको इतनी लाइटली ले रहे हैं? अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरत कर अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो। और देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार WHO डॉक्टर्स तीन तरीके से काम कर रही है। पहला काम क्या कर रही है कि वो आपको चेतावनी दे रही है, आपको अनुरोध कर रही है, आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आप घरों में रहिए, आप हैंड वॉश करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए। अब सेकेंड स्टेज आई है जहां पे इवन आपको वार्निंग के रूप में दिया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, लेकिन उस वार्निंग को भी हम समझ नहीं पा रहे। लॉकडाउन जो किया है दैट इज अ वार्निंग कि अपने अपने घरों में रहिए अगर इससे बचना है तो। और तीसरी स्टेज है जिसमें हम करेंगे इट इज एन ऑर्डर। आप देखिएगा सुबह मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोल रहा था कि लॉकडाउन का मतलब है कि सरकार ने जिलों को लॉकडाउन कर दिया, जिले के अंदर जो गांव हैं, जो सोसाइटीज हैं, उन सबको अपने अपने गांव सोसाइटीज को लॉकडाउन करना है, आपको अपने मोहल्ले को लॉकडाउन करना है और आपको अपने घर को लॉकडाउन करना है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत की चीजें, सब्जी आप दो तीन चार दिन की ले आइएगा, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आप फिर दोबारा ले आइएगा, अगर आपका खाने का सामान है उसको आप 15 दिन महीने का जैसे आप पहले लेके आते हैं ले आइएगा ताकि दोबारा ले आए। ये राशन तो हिंदुस्तान में वैसे भी ये फ्रीडम इसलिए फ्रीडम दी गई थी, ये जो कर्फ्यू ना करके लॉकडाउन का जो डेफिनेशन दिया था, लेकिन जनता ने इसको इस भाषा में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि पंजाब ने कर्फ्यू घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि पंजाब ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है और पंजाब के साथ यही कर्फ्यू दिल्ली और बाकी जितने भी लॉकडाउन एरियाज में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इस वक्त समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो आप न सिर्फ कोरोना को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि आपका परिवार जो आपके साथ उस घर में रहता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी समाज। कोरोना से सबसे बड़ी जंग, और बहुत जरूरी है कि आप इस जंग में देश का साथ दें। ये न करें कि लॉकडाउन होने के बावजूद, धारा 144 और सरकार के तमाम एडवाइजरी के बावजूद, आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पड़ोसियों से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इधर उधर बिना काम के जा रहे हैं, उसको अवॉइड करना है इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे न सिर्फ आप अपने साथ कोरोना को अपने घर लेकर जाएंगे, आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी यह वायरस जकड़ सकता है और उससे वो भी बीमार हो सकते हैं, खतरा वहां बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने पूरे सूबे भर से और देश के अन्य हिस्सों से कई तस्वीरें देखी जिसमें लोग सड़कों पर भी हैं, सब्जी मंडी में भी जा रहे हैं, ऐसी कौन सी आफत आ गई है आपको लगता है कि कोई ऐसी आफत है कि एक साथ सब लोग बस में सवार हो जाएं, एक साथ सब लोग घर से बाहर निकल जाएं, एक साथ सब लोग सब्जी लाने चले जाएं, क्या ऐसी कोई आफत है? क्योंकि लॉकडाउन है सिर्फ और ये कहा गया है कि ठीक है ये एसेंशियल गुड्स खुले रहेंगे, आप कभी भी जाकर ले सकते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि पैनिक की सिचुएशन है, लोग बहुत पैनिक हो गए हैं और जो करना है करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब आप देखिएगा
दो स्टडीज आप देखिएगा, 31 जनवरी के आसपास जो था, 30 या 31 जनवरी को हिंदुस्तान में एक केस पॉजिटिव था और इटली में दो केस पॉजिटिव थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी 450 के करीब केसेस पॉजिटिव आए हैं और केवल 5 या 6-7 डेथ्स हुई हैं, जहां पर इटली का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अब वहां से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। वहां इसलिए ऐसा हुआ कि वहां पे उन्होंने इटली को इमोबिलाइज नहीं किया। वहां की जो सोशल लाइफ है, गैदरिंग है, टुगेदरनेस है, लोगों के साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा इस तरह का एटमॉस्फेयर है, उन्होंने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया। तो आज मौतों के आंकड़े में पूरे विश्व का सबसे ऊपर आंकड़े जो है वो इटली के बनने के हैं। अब हिंदुस्तान की प्रोएक्टिव गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव एक्शंस लेने के बाद ये सारे का सारा माहौल बनाकर जो स्लो डाउन किया, अगर यही स्लो डाउन हमने टारगेट रखा कि 31 मार्च तक करेंगे, अगर हम उसको सिंसियरली ईमानदारी के साथ कर ले तो अच्छा होगा। नहीं तो मुझे एक चीज और डॉक्टर साहब बताइए कि हिंदुस्तान में जो हम फैमिलीज हैं, हमारे यहाँ तो पहले से परंपरा रही कि महीने के पहले हफ्ते में हम लिस्ट बना लेते हैं और राशन की सारी चीजें लेकर घर आ जाते हैं। ठीक है, दूध डेली आता है, सब्जी डेली आता है, लेकिन सब्जी अगर आप डेली नहीं भी लेते हैं तो हमारे यहाँ तो आप बेसन के पकौड़े बना के सब्जी बना लेते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे का कुछ बना लेते हैं, आप सोयाबीन की बढ़िया रखते हैं, चना रखते हैं, काबली रखते हैं, राजमा रखते हैं। 10 दिन अगर नहीं ही निकलेंगे घर से तो कौन सी आफत आ जाएगी? नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है, जैसे घटना हो रही है, पहले ये 24 घंटे का कर्फ्यू लगा, अब जो लॉकडाउन हो रहा है, तो लोग ये आशा कर रहे हैं कि ये सिचुएशन और भी गहरी होती जाएगी। तो इसलिए मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 2-4 दिन के लिए दूध इकट्ठा करना या सब्जियां 2-4 दिन की इकट्ठी लेनी, या आपका जो समझिएगा खाने का राशन पानी 15 दिन महीना 2 महीने का आपको रखना, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसको भी कटेल हमने करना है, कट शॉर्ट करना है। पर उसके लिए पागलपन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है कि अपनी लिस्ट बनाकर आप ग्रोसरी वाले को दे दें, डिस्टेंस पे खड़े हों, उसके बाद आपका नंबर आए, उसके बाद वो नंबर दे दिया जाए, या होम डिलीवरीज का कोई इस्तेमाल किया जाए। मतलब आपने जो नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स जो हम डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका ध्यान जब सब्जी मंडी में जा रहे हैं या सामान ले रहे हैं या आप वहां पर हैं, तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए, वो एक के ऊपर चढ़ के वो क्राउड का जो आप किसी भी तरह से भीड़ का हिस्सा नहीं ना बने, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। लगातार मीडिया, सरकार, प्रशासन, एनजीओ सब यही आग्रह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आए स्टूडियो में और आपने बहुत सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण साझा की हमारे दर्शकों के साथ। आपसे बार बार वही आग्रह है, समझिए इस गंभीरता को कि अगर हिंदुस्तान के आम आवाम तक ये बीमारी पहुंच गई तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी भी बहुत ज्यादा है, गंदगी भी बहुत ज्यादा है, स्लम एरिया भी बहुत ज्यादा है, और हर किसी तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंच जाए हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश भी अब तक नहीं है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए।